हे दोस्तों, कैसे हो? मैं हूं कैप्टन सिडनी और आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूं कुछ अलग, कुछ नया। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं एक नई गेम जिसका नाम है होराइजन ज़ीरो डॉन। तो भाई, ये गेम आई थी आई थिंक कुछ एक साल होने आ गया इस गेम को आके, पर मुझे फाइनली चांस मिला है इस गेम को खेलने का। और काफ़ी सारे दोस्तों ने मुझे ये बोला कि भाई बहुत ही ज़बरदस्त गेम है, बहुत अच्छी गेम है, डेफिनेटली तुझे खेलनी चाहिए। और मैंने सोचा अगर मैं खेल रहा हूँ गेम तो फिर भाई रिकॉर्ड तो करना ही करना है। तो फिर अब हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं इस गेम को। पर गेम को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि भाई ये जो गेम है जो मैं शुरू कर रहा हूँ, इसका जो पहला एपिसोड है जो बहुत ही जल्दी अभी तो तुम लोग देख रहे होगे, पर जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ मुझे पता नहीं मैं कभी अपलोड करने वाला हूँ। तो भाई मैं इसके ऊपर एक लाइक का एम रखने वाला हूँ। अगर इस वीडियो को 15 लाइक्स मिलते हैं तो ये पूरी सीरीज़ बनाऊँगा मैं होराइज़न की, क्योंकि डेफिनेटली मुझे भी चाहिए कि मैं देखूँ होराइज़न कैसी गेम है और क्या है गेम के अंदर। मैंने सुनी है बहुत सारी बातें पर पता नहीं क्या है गेम में। तो भाई देखते हैं, कुछ तो मशीनों के ऊपर है तो भाई एक्साइटिंग तो लग रही है मुझे। और मैंने सुना है काफ़ी बड़ी गेम है, तो भाई आप लोगों के ऊपर है, आप लोगों का सपोर्ट जो मिलेगा मुझे इस सीरीज़ के ऊपर, इस पहले वीडियो के ऊपर, उसके हिसाब से ये पूरी सीरीज़ बनेगी। तो अगर आप लोग देखना चाहते हैं होराइज़न ज़ीरो डॉन को और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं खेलूँ इस गेम को, तो फटाफट लाइक का बटन दबा दो, लाइक कर दो इस वीडियो को। और 15 लाइक आएंगे तो मैं डेफिनेटली इसे एक सीरीज़ बनाऊँगा। और अगर आप लोग नए हैं और अगर आप लोग होराइज़न देखने आए हैं या और कोई भी गेम देखना चाहते हैं तो भाई सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि हम लोग खेल रहे हैं बहुत सारी गेम्स। तो भाई चलो शुरू करते हैं आज की ये नई गेम। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, मैं हमेशा एक्साइटेड होता हूँ जब भी कोई नई गेम शुरू करनी होती है, क्योंकि मैं एक्साइटेड दो चीज़ों के लिए होता हूँ। पहली कि मैं ये गेम खेलने वाला हूँ, एक नई गेम है, पता नहीं कैसी होने वाली है, क्या है क्या नहीं है। और दूसरी मैं ये देखना चाहता हूँ कि आप लोगों को कैसी लगती है गेम, आप लोग कितना एंजॉय करते हैं इस गेम को। तो पूरा मोटिव यही रहता है कि आप लोगों तक जितना हो सके उतनी नई गेम्स पहुँचानी है मुझे, नए गेम प्लेस पहुँचाने, बिकॉज मैं समझता हूँ कि आप लोग हमेशा एक गेम को नहीं बाय कर पाओगे, नहीं खेल पाओगे। तो जो भी गेम्स हैं जो अलग है, जिनको आप देखने में ज़्यादा आपको मज़ा आता है, वैसी गेम्स में खेलने की कोशिश करता हूँ। तो भाई चलो शुरू करते हैं। इंग्लिश भाई, स्पीच एंड मूवी लैंग्वेज भी इंग्लिश तो सवाल ही नहीं उठता। सोनी इंटरैक्टिव एंटरटेनमेंट प्रेजेंट्स, तो भाई सोनी जो है इसने एक बहुत बड़ी चीज़ बनाई है जिसका नाम है प्ले स्टेशन। और भैया ये चीज़ ज़बरदस्त है क्योंकि हम सारे खेलते हैं इसको। ओ ये तो स्टोरी शुरू हो गई लगता है। चलो भाई अटेंशन देते हैं, देखते हैं क्या है ये। What's that now? Don't like the cold? Can't stand today. We have a ritual to perform, you and I. Here. Wear this. It belonged to my daughter. Good. Today, I speak your name, girl. But will the goddess speak it back? ये क्या हम लोगों को खेलना है क्या अभी? नहीं 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 अभी भी। ऑलराइट, तो सारे नाम जा रहे हैं, सारे क्रेडिट्स आ रहे हैं भाई। और ये बेबी मस्त क्यूट सा बेबी है। Normally it would be the mother who declares if you had one. The whole village would attend and matriarchs perform the ritual, but we are outcasts. Even so, we keep the tribe's rituals. Otherwise, we might become like the faithless old ones who turned their backs on the goddess. But their wickedness doomed them. To us, were left the splendors of creation. Beasts of air, water, earth, and steel.
अरे बाप रे, भाई ग्राफिक्स तो जबरदस्त लग रहा है मुझे। पर कौन है ये बंदा, कौन है ये बेबी? Your knees. It's nearly time. And yes, you may speak to me. You came to bless the name. Have not 6 months gone by since we entrusted her to you? But we are outcasts. You by choice. And she, well. I am a high matriarch, Rost. I bless whom I choose. Then you honor us. Yes, yes. Now go and be ready to declare. Go. Oh, Mother, this child needs a name by which to know her, that your love may warm her life as the rising sun warms all the earth. Speak her name! Aloy! Aloy. And so her name is blessed. Stop this at once! What have you done? I've blessed the naming of a child. Stubborn woman, you call that curse a child? What did she tell you about his birth, outcast? Answer! I've done only what you asked. To raise it, yes. We said nothing of love. Enough. And you, blessing its name like it was one. I know my duty to them. And to you. Without consultation. I'm here. And wherever you go, I will follow. Horizon. ज़ीरो डॉन। तो भाई ये है मेन्यू, और अभी जो हम लोगों ने देखा वो मेरे को तो जितना समझ आ रहा है ये किसी तरह का नेमिंग रिचुअल था, जिसमें कि भाई उस लड़की का नाम, लड़की मेरे हिसाब से तो लड़की है, उसका नाम हम लोगों ने रखा। और दो तरह के लोग लग रहे हैं मुझे इसमें, एक जो कि ट्राइब के, जो उन लोगों की जो ट्राइब है उसके रिचुअल्स में मानते हैं, और एक हैं जो ये कहते हैं कि नहीं भाई ये तो सब वहम है, इसको कुछ मानना नहीं चाहिए। और ज़बरदस्त स्टार्ट तो ज़बरदस्त लग रहा है, पता नहीं स्टोरी कैसे आगे बढ़ने वाली है, क्या होने वाला है। पर भाई यहाँ पे मुझे जो दिख रहा है ज़बरदस्त सनसेट, पता नहीं सनसेट है या सनराइज़ है, कुछ तो है, पानी बह रहा है। और वहाँ पर अगर आप लोग देख रहे हो एक्सट्रीम राइट में, तो भाई किसी तरह का मशीन पड़ा हुआ है वहाँ पर, पता नहीं ये क्या है। तो चलो शुरू करते हैं होराइजन ज़ीरो डॉन की स्टोरी, और नॉर्मल से जाएंगे, हम लोग हमेशा नॉर्मल लेते हैं, आज भी नॉर्मल। 6 years later. लड़की है एलॉय। अरे वाह, एकदम खूबसूरत है भाई।
quite the gatherer, aren't you, little lost? Now go and see if you can find some mom. Well done, that's a good boy. Children, come with me. अरे ये क्या? She's an outcast to be shunned. ये चीज मेरे को बिल्कुल भी नहीं पसंद भाई, बिल्कुल भी नहीं. छोटी बच्ची के साथ ये नहीं करना चाहिए था. देखो अभी इसको गुस्सा आ गया. ये बेचारी खुद को हर्ट कर देगी. ये कहाँ आ गई भाई? अरे बाप रे, तो फंस गई लगता है. A gift from the past, new main quest. तो भाई अब हम लोग खेल रहे हैं एलॉय. Go into the cave. तो भाई हमें केव के अंदर जाना है. अब सच बोलूँ तो मेरे को बिल्कुल नहीं पता कि इस गेम में हम लोग स्कैवेंज कर सकते हैं या नहीं, या हमें करना भी है. पर आई थिंक धीरे धीरे ही पता चलेगा क्या कर रहे हैं. कंट्रोल्स मेरे को काफ़ी स्मूथ लग रहे हैं यहाँ पे. ओ ये क्या, ये स्पाइडर वेब है क्या? नहीं ये तो, हाँ स्पाइडर वेब ही है. ज़बरदस्त भाई. ओ बैट्स. तो मेरे को समझ नहीं आ रहा है यहाँ पे सारे जो भी एनिमल्स या क्रीचर्स जिन्हें बोल सकते हैं, जैसे कि हम लोगों ने देखा कि बोर था. और एट तो क्राउच ओ प्रेस टू टॉगल क्राउच. ऑल राइट समझ गया. ओ मेटल वर्ल्ड. तो वही मैं बोल रहा था कि भाई हमें एनिमल्स भी देखने मिले, बैट्स भी देखने मिले अभी. तो फिर ये है क्या, और ये जो सारे मशीन्स हैं वो कहाँ से आए और क्यों आए हुए हैं, ये है क्वेश्चन भाई. आगे जाके ही पता चलेगा. और मेरे को लगता है सीधा इस तरफ ही जाना है. अभी के लिए तो मुझे नहीं लगता स्कैवेंज करेंगे तो कुछ होने भी नहीं वाला है. ऑल राइट, कंट्रोलर वाइब्रेट हो रहा है भाई. ओ यहाँ से कोई तो आ रहा है क्या? ओ चूहा 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 है वहाँ पे भाई. ये तो किसी तरह का वर्क सेंटर लग रहा है मुझे, जो कि पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है. यहाँ पे तो रास्ता है, पर ये क्या है? नहीं यहाँ पे कुछ भी नहीं है. एक मिनट, वहाँ पे ऊपर मैंने कुछ तो देखा नहीं. ऑल राइट, तो कुछ भी नहीं है, सीधा इस तरफ ही बढ़ना है. चलो भाई, एलॉय 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 जो भी. थोड़ा टाइम लगेगा कैरेक्टर्स के नाम याद रखने के लिए. ओ और भी बहुत सारे बैट्स. और भाई कंट्रोलर हो रहा है वाइब्रेट, इसका मतलब है कुछ तो होने वाला है. कुछ ऑलरेडी हो रहा है. ओ हाँ, तो वो कुछ तो ऊपर है जिसके वजह से कंट्रोलर वाइब्रेट हो रहा है. चलो भाई आगे बढ़ते हैं. ओ ये क्या है? कुछ तो है, जाके देखते हैं. कौन है ये? ओ ये तो कोई बंदा मरा हुआ है.
ये क्या है? ये तो किसी तरह का भाई इक्विपमेंट लग रहा है मुझे। एलॉय छोड़, उसको मत पकड़, पता नहीं क्या होगा ये। काफी छोटी लग रही है एलॉय मुझे। टॉगल टू फोकस बाय प्रेसिंग R3। ऑलराइट, भाई ये सारा कुछ है क्या? लाइटें तो हैं पर इस तरफ तो जाना है, वो तो मुझे पता है, पर a metal door closed. Maybe this device I found can help. Use the device to scan the room. How do I get it? Activate open? The focus by pressing R3. Oh. More lights. Oh, वहाँ पे कुछ तो है। एक मिनट। It's connected to the door. Code Nexus. Secure encryption port with holographic display. Data shows required settings for nearby holo locks. Oh. ये इस तरफ जाके देखते हैं। तो अगर फोकस कर रहे हैं तो वो दौड़ेगी नहीं, फोकस नहीं कर रहे हैं तो वो दौड़ेगी, तो पक्का इस तरफ ही जाना लगता है मुझे तो। भाई ये क्या सारी मशीन है भाई, कौन से साल में खेल रहे हैं हम लोग? जितना कि मैंने डिस्क पे पढ़ा था शायद 2025 है, पक्का नहीं पता, पता चल ही जाएगा, कोई बात नहीं। यूज़ द होलो लॉक, कहाँ से कैसे? ओके, टर्न होलो लॉक काउंटर क्लॉक वाइज, टर्न होलो लॉक क्लॉक वाइज। अच्छा, और कर लेते हैं। Changed color. Oh, return to the door. तो भाई क्लॉक क्लॉक क्या बोल रहा हूँ, लॉक खुल गया है, देखते हैं जाके क्या है ये। वीडियो गेम्स की ये एक चीज़ मुझे बहुत पसंद है, स्टोरी एकदम अलग होती है। कभी भी आप लोगों ने ऐसी स्टोरी कोई भी हॉलीवुड मूवी बॉलीवुड मूवी में कभी नहीं देखी होगी। ऑलराइट, तो अब इसको खोलना है। ओपन डोर, फाइंड अ वे आउट। वहाँ से जाना है। ओ, यहाँ पे कुछ तो है, इससे क्या होता है? इसको खोल नहीं सकता लगता है, या आगे जाके शायद कुछ तो होगा, पता नहीं। वो भाई वो मरे हुए बंदे ने तो कुछ अच्छा दे दिया हम लोगों को, लाइफ चेंज हो जाएगी एलॉय की, या एलॉय भूल जाता हूँ मैं। और ऊपर आप लोग देख सकते हैं ये मार्कर भी आया हुआ है, नॉर्थ की तरफ बढ़ रही है ये, मतलब कि गेम ओपन वर्ल्ड है बाय द वे, उतना तो मुझे पता है। यहाँ पे कुछ तो है। Look, Daddy can't be there with you and Mom, but we can still have a party, right? Sure we can. Show me again. I can do. He's right behind you. Hi. Happy birthday, Isaac. Daddy sure does love his little big man. Look, Daddy can't be there. तो ये तो recording है. We can still have a party, right? Sure we can. ये बच्ची बहुत क्यूट है यार, मेरे को तो बहुत क्यूट लग रही है। ऑलराइट, तो रास्ता ढूंढना है शायद हमें। ओ, यहाँ पे कुछ तो लिखा हुआ था, कहाँ कुछ तो लिखा हुआ था यार अभी जब मैंने किया।
शायद नहीं. राइट इस तरफ किस तरफ जाना है? अच्छा इस तरफ. ये रहा दरवाज़ा. ऑल राइट तो ट्रायंगल टू स्क्वीज थ्रू द गैप. यहाँ पे कुछ है क्या भाई? स्कैन करते चलो भाई, पता नहीं क्या मिल जाए. Why did they die here? What happened to them? तो सीधा मैं रास्ते की तरफ ही दौड़ रहा हूँ क्योंकि मुझे नहीं लगता और कुछ भी स्कैवेंजिंग करने की ज़रूरत है. ओ रॉस्ट का रॉस्ट की आवाज़. He found me. Ross found me. Down here. I'm coming. I'm coming. Oh, mother be praised. Come, girl. Take my hand. You don't belong down there. Come. Such places are forbidden, Aloy. I fell in. They are of the metal world. What is that on your face? Nothing. Did you find it down there? No. Give it to me. उसका एक खिलौना भी ले लेगा ये. Such things are dangerous. No! Home now. But starting tomorrow, you will learn to hunt. तो भाई ट्रेनिंग होगी शुरू कल से. Thing. We descend to the valley now. Follow. तो मेरे को लगता है चैप्टर टू शुरू होने वाला है अब. The wilds can be dangerous, Aloy. You will need to stay close and do as I say. I know. Now, you're still scratched up from that fall you took yesterday. So let's start there. Take this medicine pouch. I'll show you how to fill it. See this plant over here? It's called South Rush. Come, gather its berries in your pouch. All right, to bhai. Aloy, come now. Gather the berries. Good. Now eat the berries. Press upper to transfer health from your medicine pouch to your health pool. They may taste bitter, but they can save your life. Always keep your pouch full of medicinal berries. कैसे चलती है यार ये? Where are we? This valley is just a part of All Mother's embrace. Embrace. The Nora tribe watches these lands and keeps out the most dangerous machines. Usually. जबरदस्त दौड़ती है भाई ये, देखो इसको. Further down river, you'll find a herd of machines, and I will teach you how to hunt. Are they dangerous? All machines are dangerous, Aloy. Their power must be respected. But I will be beside you. Aloy, a machine's coming.
Crouch and follow me into the tall grass. Alright, bhai, machine ke saath samna hone wala hai ab hamara. Crouching in tall grass will make you invisible. I'm guessing maine padha nahi wo. Such machines are called watchers. You must learn to avoid their gaze. If you are to survive in the wilds, I will show you. Listen close and do as I do. Stay still. Wait for it to pass. भाई ये तो मेरे को जुरासिक पार्क का कोई ये लग रहा है, डायनासोर लग रहा है, स्टील का डायनासोर. किसने बनाया इन मशीन्स को भाई ऐसे डायनासोर जैसे? That's the last of them. Let's move on. भाई शूट वूट करने कब मिलेगा? ऑलराइट, क्राउच नहीं करने की जरूरत अब. Did well. They didn't see or hear you. Now stay close. That herd shell symbol. Oh, shows how visible you are. अच्छा सही भाई, इंटरफेस काफी काफी अलग और काफी अच्छा लग रहा है मुझे तो. इग्नोर हिम. बट व्हाई इज ही अप देयर? कौन है ये भाई? ही इज स्माइलिंग एट अस. टेप, गेट बैक वेयर यू बिलोंग. टेप, वेयर आर यू? इग्नोर हिम. वी आर आउटकास्ट्स एंड ही इज ऑफ द ट्राइब. Maybe he doesn't like to try. Then he is a fool. Come now, let's find that herd. Follow. All right. तो भाई वो ट्रैप बंदा मेन ट्राइब का है और हम लोग जो है वो भाई अछूत हैं बेसिकली. तो हम ट्राइब से हमें बाहर निकाल दिया है, पता नहीं क्यों निकाला है और कैसे निकाला है वो तो बाद में ही पता चलेगा. There. See them? पर ट्राइब का कोई भी स्ट्राइडर्स. ओ, घोड़े वाला स्ट्राइडर्स. Why did you chase them off? To show you how some machines startle easily if they detect you and run away. They're best approached by stealth. Don't worry. We'll catch up with them further down the valley. You'll see. Now, I want you to find some rocks that fit the cup of your hand. Why? Do as I say, Aloy, and gather rocks. I will show you how to use them. Okay. Good. That's it. Those will do. Follow. एक मिनट थोड़े और ले लेता हूँ भाई. थोड़े और ले लूँ. और पांच हो गए. पता नहीं ये रॉक्स का क्या काम है, मैं तो उठा रहा हूँ. When moving, press L3 to sprint. अच्छा, ओके. अभी ये बेचारी बच्ची क्या दौड़ेगी? पर वैसे है स्ट्रॉन्ग एकदम, पर दौड़ती जबरदस्त है यार. Aloy, over here. There's the herd. All right, it's time to throw some rocks. But rocks can't hurt machines, right? No, but they can distract them, draw them into traps, like that watcher over there. Must be dealt with, or it will warn the herd and send them running before we get in range. Warn them? How? The machines speak to each other, Aloy, unless they are first silenced. Now you stay here on the ridge. On my signal, throw rocks and draw the watcher over to me. Wait for my signal. ठीक है भाई. रॉस्ट, रॉस्ट मेरे डैड जैसा लग रहा है मुझे.
Hold to aim. Aloy, throw right near me. Fake dia. Ab. उसने तो मार दिया. मैं आऊँ? मैं भी आ जाता हूँ. There, harvest the kill so I can teach you how to make arrows. Oh, hold search watcher. Acha. Metal shards and wire. Pay attention. Take all. Now, gather stalks of ridgewood from the plants over there. Ridgewood. Acha, okay. तो मुझे लगता है हम लोग bow बनाने वाले हैं. Bow and arrows. रिचूड ले ले भाई. एलॉय, बहुत ही जल्दी तेरे पास भी तेरा खुद का बो होगा और हम लोग करेंगे इन सारे मशीन्स का खात्मा. आ गया मैं. रोस्ट ले लिया मैंने. टू गैदर रिसोर्स वॉक अप टू इट एंड प्रेस ट्रायंगल. अच्छा और चाहिए क्या? और है कहाँ पे? अच्छा यहाँ पे. Use the stalks as arrow shafts and metal shards for arrowheads. Hold L1 to open weapon wheel. Okay. Select using and press and hold X. Achha. Good. Okay. You'll never run out of arrows if you know how to craft what you need. Okay, 20 ke 20 arrow hai hamare paas. Which I think is enough. Follow Rost. Oh, सही छोटू सा arrow इसका. छोटू सा बहुत छोटू सा arrow. Right, अब ऐसे जा रहे शायद हम लोग. वापस crouch करके. Stay low in the grass. Stealth mode में. Quiet. It's time to make your first kill. Strider. One of the weaker machines, and even a weak machine can kill a hunter if she's careless. You must study your brain. It's hide as thick, but there are spots where it is vulnerable, like its eye. Can you guess another? R3 to scan the Strider. All right. Strider body. Weakness. On its back. Is that hit? Keep firing. Mar gaya. Chalo bhai, le lete hain iske paas se samaan. Metal shards aur sparker. You did well today, but you have much to learn. Tomorrow, we train again. What was that? That boy. The one running the brave trails. Follow Aloy, quick. Follow. अरे भाई तू तो चल. Jump. हाँ jump भी करती है. All right. चलो भाई Aloy. पहला शिकार तो मार दिया पर अब हमें help करनी है उस लड़के की. अरे Rosh रुक मैं आ रहा हूँ. इससे फास्ट नहीं दौड़ सकती भाई. ये बच्ची है. ये म्यूजिक जबरदस्त है. बाकी एक और स्ट्राइडर. अरे तो गिरने वाला है. अरे बाप रे, मेरे को लगता है सारे स्ट्राइडर्स ने दूसरे स्ट्राइडर्स को बुला लिया. I can do nothing. It's only a matter of time before the machines find that boy and kick him to death. But if I shoot, it will cause a stampede and trample him. But I can see the paths they take. Stop telling stories.
sneak through. You will not. अरे बाप रे, वो भी ले लिया इसने तो भाई हमारा, ये तो गड़बड़ हो गई। स्नीक टू द वुंडेड बॉय, प्रेस R3 टू फोकस। व्हेन द वॉचर इज स्कैन, प्रेस R1 टू पेट्रोल पाथ। I need to move slowly and quietly so I can sneak past them. Oh, ये इसका path है. Alright, तो भाई चलो. Can't let them see me. एक तो गया. वो है, है कहाँ पे वैसे? Marks around the eye show how much sound you're making. हाँ हाँ, okay okay, समझ गया समझ गया। अब actually एक काम करते हैं, सबसे पहले सबके path mark कर लेते हैं। R2 to target, भाई path mark कर लो। Aloy path mark कर। नहीं, आई थिंक ये इन स्ट्राइडर्स का पाथ नहीं मार्क होगा, सिर्फ इसका होगा लगता है। ऑलराइट, इसका तो यही पाथ है, ये मुझे देख लेगा। भाई गैदर कर ले मेडिसिनल पाउच, मेडिसिन पाउच ले लो ले लो। रिजवुड भी ले ले भाई, जरूरत पड़ सकती है हमें वहाँ पे भी। और मशीन्स हैं, देखते हैं पाथ। भाई पहले तू वहाँ पे तो चल। ऑलराइट, तो इस वाले का पाथ देख लेते हैं हम लोग। इसका ये है, ये अब इस तरफ आएगा क्या? हाँ आया आया भाई, सीधा जाओ उस तरफ, बीच में नहीं आना। चलो भाई, ओ वहाँ पे कुछ तो देखा मैंने, ये ले लेते हैं रिजवुड। ऑलराइट, ओ ये रहा। ये तो कुत्तों की तरह हमें ढूंढ रहे हैं मशीन्स, पर एलॉय की मदद से हम बच जाएंगे। लीड द बॉय टू सेफ्टी। ऑलराइट, इसका पाथ मार्क कर लेते हैं, ये है इसका पाथ। ओके चल भाई, तू फॉलो कर। सेफ्टी इस तरफ है, वो बोरा 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 रॉस्ट वहां पे है। एक मिनट, ये देख तो नहीं रहा भाई, तू है ना पीछे? हाँ, आते रहना भाई, रुकना नहीं। क्या बात है, फॉलो रॉस्ट टीचिंग, ट्रॉफी अर्न्ड। Bless that girl. Bless you both. Boy! I just want to... Boy! Seal your lips. They are outcasts both. And she is motherless. Come now. Back to Mother's heart.
साले सबसे पहले तो इन लोगों को ही मारूंगा मैं। That boy should not have spoken to us. It's against tribal law. We'll go home now. Follow. I know the way. अरे बाप रे। Lesson complete. Stay away, no mother. नहीं 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 ये गलत है। Flashpoint offer moments of emotional choice. How Aloy expresses her personality is up to you. Choose an Aloy will confront the challenge directly. Choose an Aloy will use her insight to find a clever, less obvious approach. ये तो चला गया। Aim for his head, knock the rock from his hands, drop your rock. एक काम करते हैं, मेरे को गुस्सा तो बहुत आ रहा है, पर अगर एलॉय की पर्सनालिटी इसके ऊपर डिपेंड है तो हमें उसकी पर्सनालिटी ऐसी नहीं बनानी है, तो हम लोग नॉक द रॉक ऑफ हिज हैंड्स करेंगे। बेटे गलत गलत लड़की से पंगा लिया तूने। You're bleeding. Let me have a look. Here, hold still. I'll get it. Why? Why am I an outcast? Aloy, this is not the time. Who was my mother? Aloy, I've told you before, that's not for us to know. You were just a newborn when the matriarchs brought you to me. So the matriarchs, they know? It's not so simple. But they know. Aloy, we are outcasts. So how do I make them tell me? The matriarchs? There is a way, perhaps. So tell me. It would be dangerous. How? It would take years of training. I don't care. How do I do it? Tell me. The proving. The tribe's rite of passage held every year. Those who pass become braves. But to the one who wins, the matriarchs grant a boon. Yes, whatever the winner wants. Then I'll do it. Whatever it takes. I'll win the proving. I see. We'd best get started then. Your training will be hard. And it'll take years. Start training? Yes. Follow. अरे सही बच्ची है भाई ये। एकदम मूवीज जैसा बनाया इन लोगों ने, ट्रेनिंग दिखा रहे हैं हम लोगों को। अरे इसका यही मशीन इसको हेल्प करेगा आगे बढ़ने में। क्या बात है, बिना उसकी हेल्प लिए।
ओ बड़ी हो गई। क्या बात है, बड़ी हो गई है भाई एलॉय और ज़बरदस्त लग रही है, और रोस्ट होते जा रहा है और भी बूढ़ा। मस्त कट सीन था भाई ये, मस्त कट सीन। रोस्ट days before the proving and he goes off without me? He wouldn't do that. Alright, level up, level 3, reach the point of the spear, find Rost. तो हम लोग ने एक और main quest mission शुरू कर दिया है, और find Rost ये हमारा objective है। पर आई थिंक आज का ये जो प्रोलोग है, ये जो इंट्रोडक्शन है इस गेम का, ये हम लोग यहीं ख़त्म करेंगे, इस एपिसोड को यहीं ख़त्म करेंगे हम लोग। तो सीरियसली बोलूँ तो अभी तक जितना भी मैंने खेला है, मेरे को बहुत पसंद आई ये गेम, बहुत ही पसंद आई। जो कट सीन्स हैं, गेम का म्यूज़िक है, इसके ग्राफिक्स हैं, इससे समझ आ रहा है कि इसकी जो स्टोरी है वो एक बहुत अच्छी चीज़ के लिए बिल्टअप होगी। और पर्सनली मुझे ये स्टोरी बहुत पसंद आई। और एलॉय निकल चुकी है अपनी जर्नी पे, जिसमें उसे कुछ भी करके उस प्रूविंग को जीतना है, और उसे वो बून चाहिए, जिससे मुझे ऐसा लग रहा है कि वो शायद उन लोगों को बोलेगी कि मुझे आउटकास्ट नहीं, मैं आउटकास्ट नहीं रहना चाहती, मुझे ट्राइब में ले लो, मुझे ट्राइब का पार्ट बना लो, या शायद पूछेगी कि मेरी माँ कौन है। पर भाई उसके लिए हमें वेट करना पड़ेगा नेक्स्ट एपिसोड के लिए, और पता नहीं अगर इसके बाद के एपिसोड्स मैं रिकॉर्ड करूँगा। सब कुछ डिपेंड करता है आप लोगों के ऊपर। अगर इस एपिसोड को 15 लाइक्स मिलते हैं तो मैं डेफिनेटली इसको सीरीज़ बनाऊँगा, अगर नहीं मिलते हैं तो बस ये एक वन ऑफ वीडियो बन के रह जाएगा, वन ऑफ एपिसोड होराइजन ज़ीरो डॉन का। पर मैं डेफिनेटली ये गेम खेलने वाला हूँ, चाहे मैं रिकॉर्ड करूँ या ना करूँ, मैं इसको पक्का खेलने वाला हूँ। तो भाई आप लोग जिसने भी देखा है, आप लोग देख रहे हैं, फटाफट लाइक कर दो, और अगर आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब कर दो, बहुत सारी हेल्प मिलती है भाई। और आज का एपिसोड यहीं ख़त्म करते हैं होराइजन ज़ीरो डॉन का। मैं आप लोगों को मिलता हूँ अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।